हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, हमारे नए वीडियो में स्वागत है। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आज ओवर ब्रिज के पास से। देख सकते हैं कोहरा इतना जबरदस्त है कि उस तरफ सीढ़ी है, आप हमारे ब्लॉग देखे होंगे। और सबसे थोड़ा ट्रेन की पटरी है, आपको यहाँ तक नहीं दिख रहा हो तो ट्रेन, अब इसके बाद चलते हुए दिखेगा। मात्र मैं 30 से 40 फीट की दूरी पर हूँ, उसके बाद भी तो ये देख सकते हैं ट्रेन जा रही है, जो कि पूरा कोयले से एकदम भरे हुए सारे डिब्बे। आज एकदम ट्रेन के एकदम पास में आना पड़ा, उसके बाद ये ट्रेन दिख रही है और एकदम आराम से जा रही है। क्योंकि गाइस, जो एलपी होता है उनको भी कुछ नहीं दिख रहा होगा ना, वो भी तो एक इंसान है, ट्रेन को देखकर ही चलाना पड़ता है, कितनी भी एक रूट हो। उसके बावजूद भी ट्रेन को बगैर देखे आप कैसे अंदाजों में कर सकते हैं। एक तो रहता है, लेकिन चीज़ें तब भी है बिना देखे, इसलिए कोहरे में ट्रेन लेट होती है। और एकदम दोस्तों जो कोयला है वो एकदम जबरदस्त भरा हुआ है। ये गाय देख सकते हैं ट्रेन निकल गई, अभी हम लोग 50 फीट दूरी पर, उसके बावजूद भी नहीं दिख रहा है। गाय चल रहा हूँ अब सीढ़ी के ऊपर हाईवे पर, दिखाता हूँ आपको जहाँ पर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ये गाय जो है सीढ़ी, सीढ़ी को चढ़ते हैं ऊपर से दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त ओस पड़ा हुआ है। और गाइज, हम यहाँ पर करते हैं एक्सरसाइज। मेरा दोस्तों एक्सरसाइज पॉइंट है, मैं आ गया ऊपर हाईवे और कोहरा की वजह से कुछ दिख नहीं रहा दोस्तों, नीचे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये दोस्तों ओवर ब्रिज के ऊपर है नेशनल हाईवे NH30, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जो गाड़ी वाड़ी है हमको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कोहरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जिस गाड़ी में LED होता है फोकस लैंप, तो बिल्कुल आगे नहीं दिखा, जो पीली है उसने कुछ पीला वाका दिखा, ये इसमें सफ़ेद है बिल्कुल दिखा ही नहीं। यह चल रहा है एक्सरसाइज करने, बहुत ज़्यादा इसमें पड़ा हुआ है तो उसकी वजह स्लिप कर रहा है, थोड़ा आराम से चलें। तो आज एक्सरसाइज कंप्लीट किया उस पर हाईवे, कोहरा भी थोड़ा भी नहीं हटा हुआ है, तो चलते हैं घर अब। और गाइज, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमें सपोर्ट करें। और ख़ुद को दोस्तों अगर एक ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, वीडियो शूट करें, अपलोड करें, ब्लॉगिंग कैटेगरी में अगर चल जाता है तो आप ब्लॉगिंग के माध्यम से ज़रूर कुछ न कुछ पैसे दोस्तों कमा सकते हैं। और आपका कर्म भाग्य दोस्तों, आपका लक अगर अच्छा रहा तो आप अच्छा पैसा अच्छा नाम दोनों कमा सकते हैं साथ में। और साथ साथ जो भविष्य एक आप डेली अपना रिकॉर्ड कर रहे हो, यह भी देख सकते हो कि मैं पहले कैसे था, या जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वह भी देख सकती है दोस्तों हमारे उस समय के हिसाब, जो लोगों को दादा परदादा चाचा, तो वहाँ भी देखने को आपको मिलेगा, शूट कर सकते हैं, इससे कोई बात नहीं। तो मैं चल रहा हूँ घर, घर पर आ गया, खाते हैं खाना को, खाना है तवा। तो गाइस, खाना ये चावल हो गया, इधर दाल रोटी और चटनी है। गाइस, खाना वाना हो गया, खाते हैं दवा को और दोस्तों ब्लॉग पर ही निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।